हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, फंक्शन डिज़ाइन टेक्निक की एक और टेक्निक आज हम देखने वाले हैं। हम देख चुके हैं टेक समथिंग रिटर्न नथिंग को और टेक समथिंग रिटर्न समथिंग को, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम जो फंक्शन डिज़ाइन टेक्निक देखने वाले हैं वो है टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग, या फिर टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग हम बोल सकते हैं। तो उसी एग्जांपल को करते हैं। हमें यूज़र से लेना है तीन इंटीजर, ठीक है। यूज़र से हमें तीन इंटीजर लेना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थर्ड स्टाइल है हमारा, यूजिंग द थर्ड स्टाइल ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। हमें तीन नंबर लेना है यूज़र से और उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। और टेक्निक है टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। मतलब टेक नथिंग जब लिखा है तो आर्ग्यूमेंट तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जब टेक नथिंग है तो आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। रिटर्न समथिंग मतलब वॉइड के अलावा कुछ यूज़ करेंगे। तो वॉइड के अलावा हम क्या यूज़ करेंगे? एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जैसा कि हमें पता है, एवरेज जो कैलकुलेट होकर आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेगी। तो रिटर्न टाइप हमने क्या रखा? फ्लोट रखा, ठीक है। अगर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमें कोई आर्ग्यूमेंट तो पास करना नहीं है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉल करते समय हमें यहाँ पर वैल्यू पास नहीं करना है, ठीक है। अब वैल्यू अगर पास नहीं करेंगे तो फंक्शन में वैल्यू रिसीव कैसे होगी? फंक्शन में यहाँ पे हमें पैरामीटर नहीं बनाने हैं, कोई वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे हम कॉल करते समय, ठीक है। तो कॉल करते समय कोई वैल्यू पास नहीं करना है, ठीक है। अब वैल्यू अगर पास नहीं करेंगे तो एवरेज किसका कैलकुलेट करेंगे? तो अगर वैल्यू हम कॉल करते समय नहीं पास कर रहे हैं तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम जो तीन वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं वो फंक्शन के अंदर ही इनपुट करवा लें, ठीक है। तो ये जो कोड था एंटर एनी थ्री नंबर्स, और तीन नंबर्स के अंदर जो वैल्यू लेने वाला कोड हमने लिखा था वो हम लिख देते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने मैसेज दे दिया एंटर एनी थ्री नंबर्स। अब नंबर रखने के लिए हमें तीन वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, तो तीन वेरिएबल भी बना दिए इसमें, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तीन हमने वेरिएबल बना दिए इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों के अंदर वैल्यू ले ली। वैल्यू लेने के बाद हम इनको ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ऐड करने के बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3.0 से, और जो एवरेज कैलकुलेट होकर रिज़ल्ट आया उसको एक्स में असाइन कर दिया, और मुझे एक्स को इस बार क्या करना है? रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे यूज़ किया फ्लोट, और एक्स को मैंने करवा दिया रिटर्न, ठीक है। अब आपको पता है रिटर्न कहाँ होता है? रिटर्न वहीं पे होता है जहाँ पे हम कॉल करते हैं। तो कॉल कर हमने किया है मेन फंक्शन से, ये मेन फंक्शन से पहले स्क्रीन को क्लियर किया, एवरेज को कॉल किया, कंट्रोल सीधे यहाँ पे आया, एबीसी वैल्यू पास हुई, सॉरी एबीसी वेरिएबल हमने बनाया, यूज़र से वैल्यू ली एबीसी के अंदर, उसका एवरेज कैलकुलेट करके हमने रिटर्न किया, ठीक है। और रिटर्न कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमने कॉल किया, तो यहाँ कॉल किया, यहाँ पे रिटर्न हुआ, और उसको हम रिसीव करेंगे किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल हमें यहाँ बनाना पड़ेगा मेन के अंदर, तो मेन के अंदर मैंने एक बना दिया वेरिएबल, नाम इसका रख दिया डी, और डी के अंदर मैंने वैल्यू को रिसीव कर लिया। अब डी के अंदर रिजल्ट आ चुका है, मतलब एवरेज आ चुका है, उसको हमें करवाना है प्रिंट। तो यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एफ से। तो प्रिंटएफ से हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, सॉरी प्रिंटएफ से हम यहाँ मैसेज देते हैं एवरेज इज परसेंटेज एफ कॉमा डी। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये है हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हमें कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें टेक नथिंग लिखा हुआ है। टेक नथिंग मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा। रिटर्न समथिंग कुछ रिटर्न करेंगे, मतलब वॉइड के अलावा कुछ रहेगा, ठीक है। तो कुछ रिटर्न होगा तो उसको रिसीव कर लेंगे हम डी में,
आर्ग्यूमेंट तो हमें कोई पास नहीं करना है, तो एबीसी को हमने यहाँ से हटा दिया। एवरेज को हमने कॉल किया तो कंट्रोल सीधे गया जहाँ पे ये एवरेज फंक्शन बना हुआ है। जैसा डिक्लेरेशन था वैसा डेफिनेशन में हमने इसका प्रोटोटाइप रखा। रिटर्न टाइप फ्लोट, नाम एवरेज दे दिया, एवीजी, आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं। फिर अब यूज़र से वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस टेक्निक को वैसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तीन हमने नंबर्स ले लिए, एवरेज कैलकुलेट किया, रिटर्न करवाया, रिटर्न वहीं पे हुआ जहाँ पे कॉल किया था, तो यहाँ रिटर्न हुआ, तो हमने डी के अंदर उसको रिसीव कर लिया और प्रिंट करवा दिया। अब ये टेक्निक वैसे कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जब हमें ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम करना है। जैसे हमें 100 वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, ठीक है, 100 वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है, या मान लो कि एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है। और वो एन कौन प्रोवाइड करेगा, यूज़र प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब यूज़र रन टाइम पे बताएगा कि मेरे पास 50 वैल्यू हैं या 100 वैल्यू हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम आर्ग्यूमेंट में अगर वैल्यू पास करेंगे, तो अगर 100 वैल्यूज़ होंगी तो 100 आर्ग्यूमेंट्स तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 100 आर्ग्यूमेंट्स लिखने से प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे मैं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी अप टू सोन 100 अगर वेरिएबल बना दूंगा, तो फिर मुझे कॉल करते समय भी 100 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। उसके लिए 100 यहाँ वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, फिर डिफाइन करते समय भी यहाँ पे 100 वेरिएबल बनेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसको सिंपल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जब हमें ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम करना है तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ना पास करते हुए वो इनपुट हम इसी के अंदर ले सकते हैं फंक्शन के अंदर सीधे, ठीक है। और रिटर्न कब करवाते हैं, जब एक ही हमें रिजल्ट रिटर्न करवाना है, ठीक है। जैसे मान लो ये फंक्शन क्या करता, सम भी कैलकुलेट करता और एवरेज भी कैलकुलेट करता, दो दो चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, दो रिजल्ट चाहिए, तो हम इसी में प्रिंट करवा देते हैं, मतलब रिटर्न नहीं करवाते, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको एक बार रीलोड मुझे करना पड़ेगा, अभी तो ये पिछला आउटपुट आप देखेंगे। सो ये रीलोड किया मैंने, रन करता हूँ, कोई इधर नहीं है, मैंने वैल्यू पास कर दी 4, 5 एंड 3, एवरेज आ गया 4, ठीक है। एवरेज तो सही कैलकुलेट हो रहा है, मतलब प्रोग्राम हमारा सही वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था तीसरा फंक्शन डिज़ाइन टेक्निक, टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, या फिर टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए फंक्शन डिज़ाइन टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।